नमस्कार, आउटलुक हिंदी वेबसाइट में आपका स्वागत है। आउटलुक हिंदी पत्रिका आप जानते हैं कि किस तरह से तटस्थ भाव से चुनाव को देखता है, राजनीतिक समीक्षा करता है, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर अपनी बातें रखता है और समाज में जो विभिन्न विचार हैं उनको भी सामने रखता है। चुनावी मंथन में इस बार हम उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, विभिन्न राज्यों का आकलन करते रहे हैं और अब लगभग अंतिम मतदान कल होना है। उससे पहले एक तरह से चुनाव का प्रचार भी विराम हो गया, एक तरह से सब शांत है। घर घर बैठ करके जाना, घर घर जाना और उसके बाद अपनी बात पहुंचाना, वोटर को मतदान केंद्र ले जाना, एक प्रयास केवल 40 विधानसभा क्षेत्रों में बाकी रह गया है। लेकिन हमने बड़ी दलों की बड़ी चर्चा की, छोटे दलों की चर्चा कम हुई है इस चुनावी मंथन में। इसलिए आज हमारे कार्यकारी संपादक सुमन कुमार हमारे साथ हैं और उसी तरह से विशेष संवाददाता पंकज हमारे साथ हैं और हम लोग आज इस विषय पर ही एक अपने पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन लोगों ने जमीनी जो सच्चाई को समझा है, देखा है और खास करके उत्तर प्रदेश में जहां एक अभी भी कुछ दावे सारे जब तक कुछ हैं लेकिन दावे किए जा रहे हैं, यदि पूरा बहुमत किसी को नहीं मिला कल के मतदान के बाद भी, तो ऐसी स्थिति में क्या छोटे दल की क्या भूमिका हो सकती है, खास करके चौधरी अजीत सिंह का लोकदल जिसको लेकर के पुराना लोकदल रहा और राष्ट्रीय लोकदल बना, कभी कुछ बना लेकिन अंततोगत हुआ, वो किसके साथ जाता है या और छोटे दल भी हैं अपना दल और ऐसे छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हो गई कहीं पर, इवन तृणमूल कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में पहुंचने की कोशिश की है, तो इन दलों की कितनी भूमिका रही है इस चुनाव में, हम बातचीत शुरुआत इसलिए कुमार पंकज आपसे ही करेंगे चूंकि आप गए भी थे उत्तर प्रदेश और देखा भी आपने, तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वांचल तक किस तरह से इन दलों की अब भूमिका इस चुनाव में रही। सर देखिए क्या है कि जो छोटे दल है खास करके वो जाति विशेष दल है और वो पॉकेट्स में है उत्तर प्रदेश में, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जाट मतदाता जो है अजीत सिंह जी के साथ उनकी पार्टी के साथ है, लेकिन इस बार खैर उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकल करके पूर्वांचल के भी कुछ उम्मीदवार उतारे कुछ सीटों पर, वो जो नाराज उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी से, बसपा से या भाजपा से जिनको टिकट नहीं मिला, तो रालोद ने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की है। इसी तरह से पीस पार्टी है अपना दल तो खैर भाजपा के साथ अलायंस करके लड़ रही है, पीस पार्टी ने 2012 में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके जो है वो जो है पूरा उनके साथ मुस्लिम समीकरण ठीक ठाक रहता है, लेकिन इस बार भी उन्होंने क्या किया है कुछ जगहों पर जैसे अदर कास्ट को टिकट दे करके मुसलमान प्लस अदर कास्ट आ गया तो एक साथ जो है वो प्रदर्शन करने को उनकी उम्मीद है। इसका तो नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या बसपा तीनों को हुआ। हाँ, ये 2012 में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार उनका थोड़ा सा जादू, क्योंकि उनके ऊपर अभी आरोप एक लग गया है महिला के साथ, तो ये एक बड़ा मुद्दा हो गया, इसको लेकर के थोड़ा उनकी छवि खराब हुई है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसी तरह से मैं एक बात बताऊँ, उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड में भी छोटे दल, उत्तराखंड क्रांति दल जो है 2012 के चुनाव में एक दो सीटें लेकर के वो बार्गेन करते हैं सरकार से, इस बार भी मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी फिर वही स्थिति में बन जाएगी, छोटे दल जो है एक या दो सीटें लेकर के सरकार बनाने की भूमिका में आ जाते हैं, तो वो फिर बार्गेन करते हैं कि हमको मंत्री पद चाहिए या। उत्तराखंड में बसपा भी छोटे दल की ही भूमिका में रहती है, हर बार जो है दो या तीन सीट जो है बसपा और निर्दलीय जो है वहाँ निकालते हैं। इसी तरह से अनुप्रिया पटेल जो अभी हम लोग जैसे उनकी आपने जिक्र भी जिनका किया बीजेपी के साथ आई है, उससे कितना बने उनको लाभ हो रहा है या उसकी उपस्थिति, उनका तो परिवार में झगड़ा हो गया था, वो भी एक तरह से पार्टी जैसे कहते हैं समाजवादी पार्टी में परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है और ये जो है भाजपा के साथ है, तो ये वहाँ जो पटेल वोट है वो साफ साफ बंटवारे की तरफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो सीट है रोहनिया में 2012 में विधानसभा चुनाव जीती थी अनुप्रिया पटेल, उसके बाद वोट छोड़ करके सांसद 2014 में सांसद वो सीट उन्होंने छोड़ दी, उसके बाद वो सीट अपना दल को नहीं मिल पाई, तो ये एक बड़ा मतलब स्थानीय स्तर पर बड़ा संकट काम करता है। छोटे दल जो है जैसे तो लाभ बीजेपी को दे पा रही है, चूंकि खुद मोदी जी भी ऐसे इलाकों में गए हैं जहाँ अनुप्रिया पटेल का इलाका इसको माना जाता है, तो क्या उसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है या केवल वो तो वही जहाँ अनुप्रिया पटेल की छाप है, जहाँ 2.5 साल हो गया उनको सांसद बने हुए, मंत्री भी है, उस इलाके में कितना काम किया है, जैसे मोदी जी ने जो गांव लिया है जियापुर, जियापुर के लोग बहुत नाराज हैं इस बार चुनाव में क्योंकि कई सारे काम नहीं पूरे हुए, तो स्थानीय स्तर पर ये बड़े समीकरण काम करता है। वहाँ क्या होता है छोटे दल जैसे राजभर का एक दल है जो राज करके लड़ रहे हैं भाजपा के साथ, तो वो भी जहाँ राजभर है वहाँ उनके साथ है, लेकिन जहाँ राजभर सपा ने जहाँ राजभर को टिकट दिया है वहाँ सब राजभर सफाई हो गए हैं, तो वो भूमिका बड़ी होती है। लेकिन ऐसे ही समझिए आपको अल्पसंख्यक वाली जो चर्चा हम करते हैं, ओबीसी वगैरह ने भी कुछ अपना जैसे कहते हैं कि बिहार में भी प्रभाव डालने की कोशिश की थी, यहाँ भी कुछ, तो
ऐसे अल्पसंख्यक के लिए एक तो 20 पार्टी है, लेकिन ऐसे ही वोटों को, चूंकि बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा तभी है जब सारे वोट जितने बिखरे, तो ऐसे जो कट्टर जिसको कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के नेता कहते हैं अपने को, और बहुत ही कट्टर विचारधारा के साथ है या मौलानाओं के आधार पर उन्होंने अपना एक फैलाने की कोशिश की, तो पीस पार्टी या ऐसे जो संगठन है उनकी क्या भूमिका रही इस चुनाव में? जहाँ तक ओवैसी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि जो है हैदराबाद के बाहर और महाराष्ट्र को छोड़ दें, महाराष्ट्र में जो है उनको थोड़ा बहुत समर्थन मिला है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर जो है ओवैसी अपना इम्पैक्ट कहीं भी छोड़ने में जो है अभी तक तो कामयाब हो गए। यहाँ भी चुनाव क्षेत्र में गए, कुछ जगह बिहार में भी जो है उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन हम जब मतदाता की बात करते हैं तो हम मतदाता को शायद बिल्कुल ही मूर्ख समझ लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो है अगर उनको पता है कि उनके इलाके में कौन उनके साथ रोज उठने बैठने वाला है, और ऐसी हैदराबाद से आकर के वो उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते, उनका तो जो स्थानीय मुस्लिम चेहरा होगा वही उनके साथ उठेगा बैठेगा, अगर बिहार में है तो बिहार में लालू या फिर जो है नीतीश उनको जो है काम आएंगे, और वैसे उनको काम नहीं आएंगे, वही स्थिति यूपी में है, यूपी में उनको जो है अखिलेश या मायावती काम आएंगे, उनको जो है वैसे थोड़ी काम आएंगे, तो 1% या 0.5% हो सकता है जो है वो उनके पक्ष में जाए। अपने कुछ कैंडिडेट्स उतारे हैं, उन्होंने पॉकेट्स में कैंडिडेट में उतार दिया, पूर्वांचल में उतार दिया, पश्चिम तक इस तरह से उतारे, वो भी अभी आक्रमण कर पार्टी के नाम से अपने रहा है। और इसके अलावा मैं सर एक और आंकड़ा बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो पंजीकृत दल है 256 दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें इस तरह का मतलब एक है जो अभी चुनाव छोटे छोटे दल उन्होंने छोटी छोटी पार्टी राज्य स्तर पर बना ली, तो वो भी क्या है कि वो पॉकेट्स में लड़ रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए फैजाबाद के किसी व्यक्ति ने कोई पार्टी बना ली तो वहाँ अपना 10,000-20,000 जो भी वोट काटेगा तो काटेगा, बड़े दलों के ही वोट काटेगा, तो जो छोटे दल है चुनाव आयोग में अभी भी जो आंकड़ा आ रहा है मतलब सैकड़ों की संख्या में अभी फॉर्म पड़े हुए हैं कि पंजीकृत कराने के लिए, तो वो लोग भी चुनावों में जो है ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। उत्तराखंड में जैसे सरकार बनाने में पिछले 2012 में जोड़ तोड़ में, या अगर अदर स्टेट की बात करें झारखंड में छोटे दलों की कई बार बड़ी भूमिका आ जाती है, जब पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता है तो अगर मान लो आम आदमी पार्टी भी कहते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा दल इसलिए नहीं कह रहे, को अपनी छाप दिल्ली की वजह से बड़ी पहचान है जी, इन आम आदमी पार्टी भी पंजाब में जिस तरह से उसने अपनी दखल बनाई है वो तो सत्ता में आने का सपना भी देख रहे हैं, हो सकता है कुछ हो, लेकिन वो भी एक उभर करके छोटे दल होते हुए भी, जो दिल्ली की पार्टी मतलब कोई बड़ी पार्टी नहीं है ना इतने बड़े देश में, वो दिल्ली में ही उन्होंने अपना प्रभाव बनाया था, वो राष्ट्रीय स्तर पर फैलना चाहती है लेकिन पंजाब में, लेकिन ये देखिए उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, यही देखिए गाजियाबाद या पश्चिम उत्तर प्रदेश तक तो चाहे मनीष सिसोदिया हो या दूसरे कई और नेता थे जो उत्तर प्रदेश बिहार के आम आदमी पार्टी में है, फिर भी उन्होंने उस तरफ झांका नहीं, माने केजरीवाल बीजेपी से लड़ना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ज्यादातर जो बड़े पदाधिकारी हैं सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे गोपाल राय हो, चाहे खुद केजरीवाल, तो वो क्यों नहीं इस चुनावी मैदान में अपना जोर लगाया? 2014 जो है वो बड़ा झटका था आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में जो है उन्होंने बड़ा दाव खेला था, दिल्ली और एनसीआर का जो है दिल्ली में तो खैर उनकी सरकार थी, लेकिन एनसीआर में भी उनको लग रहा था कि उनको कुछ ना कुछ जो है सफलता मिलेगी, लेकिन वो सीट तो नहीं ही जीते, वोट शेयर भी जो है उनका वहाँ पे जो है वो सब जगह जमानतें उनकी जो है जब्त हो गई, तो वो अपने जो है छवि का भी सवाल है, अगर वहाँ प्रचार करें और कुछ ना हासिल हो तो छवि जो है वो पूरे देश में जो है पंजाब में 4 सीटें जीत लाए लोकसभा की, इसलिए उनका इसलिए वहाँ मनोबल बढ़ा हुआ था, तो इसलिए वो गए वहाँ पे। हालांकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा हो क्या, जैसे चुनाव से ठीक पहले पार्टी के कई नेता छोड़ करके नए दल बना करके गए, किसी ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया, किसी ने क्या अकाली दल के साथ आ गए, वो तो वो भी एक वही छोटे दल वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं कि छोटे दल कहीं ना कहीं छोटे दल में बिखराव भी, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें, पीस पार्टी के अगर हम अभी मान लें कि 5 या 6 जीत जाते हैं तो उसमें से कितने डॉक्टर अय्यूब के साथ टिके रहेंगे, वो तो जो है 2012 में भी यही हुआ था कि वो जो है छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल यही जो है, अगर आम आदमी पार्टी वहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं करती है तो जो है हो सकता है कि उनके एमएलए जो है अगर किसी पार्टी को कम पड़ रहे होंगे तो एमएलए छूट के चले जाएंगे। हाँ मतलब दल बदल कानून के बावजूद यदि 6 लोग चुन के आते हैं तो इत्तेहाई और कुछ उसको हटा करके अपना अपना स्वाभाविक हो जाता है, फिर वो जीत करके नहीं आते, वही 3 जीतते हैं तो उसमें से अपना एक निकल जाते हैं, जो एक निकल जाते हैं तो दूसरा सोचता है कि हम यहाँ क्या करें, फिर वो सत्ता के साथ जाते हैं, जो छोटे दल होते हैं
उनका हमेशा झुकाव जो है सत्ता पक्ष की ओर रहता है। सत्ता में अगर 5 साल भागीदारी बनी रहे तो उन लोग अपने इलाके में कुछ काम भी करा सकते हैं। इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश या बिहार में भी जैसे छोटे दलों जो तो सत्ता की तरफ ही भागते हैं कि हम सत्ता के साथ बने रहेंगे तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से कुछ बार्गेन भी कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी इसलिए चुनाव आयोग वैसे एक विचार बार बार आया है, सुझाव भी आया है कि छोटे दलों पर कहीं ना कहीं कुछ हो, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। जो धनबल की बात कही जाती है, ये काफी पहले भी रिपोर्ट आई है कि अभी बीच में जब नोटबंदी हुई है उसके पहले भी, कि किस तरह से छोटे दल बना करके उसके नाम पर पैसा साइफन हो जाता है, वो काला धन बनाने की एक कोशिश भी होती है कि हमारे पास 10 करोड़ उनके मतदाता 200 हैं और वो 50 करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा कर लिया, मतलब वो जनता भी उतना नहीं देगी और यदि आपके पास कहीं वोट ही नहीं है ना कोई लोग है, तो ऐसे छोटे दलों को लेकर के भी समीक्षा हो रही है, शायद ये सही समय होगा। चलता है चुनाव है तो जैसे जमानत वाली राशि जब्त कर लेता है, नहीं वापस करता है जमानत का मुद्दे लिए पर, तो लेकिन ये मान्यता उनकी बनी रहती है। उसमें एक खेल और भी है कि जो छोटे दल है वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वोट परसेंट इतना होता है कि स्थानीय स्तर की मान्यता मिली होती है उनको, तो उनको जो है चुनाव खर्च जो है उनकी एक तय होती है कि इतनी गाड़ियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इतना जो है आपका जो है झंडे पोस्टर बैनर वगैरह में जो है वहां तक खर्च कर सकते हैं। बड़े दल उसका फायदा उठाते हैं, वो डमी कैंडिडेट जो है उस पार्टी के नाम पे खड़ा किया जाता है कि आप जो है यहाँ पे जो है डमी कैंडिडेट आ गया और उनके नाम का पैसा जो है वो गाड़ियां जो है वो आती उनके नाम पे है, प्रचार करती है बड़े दल। निर्दलीय खड़े होते हैं उनका भी खर्च या उनको दूसरी पार्टी उठा लेती है बड़े नेता। लेकिन एक इसके साथ एक पहलू है, चूंकि बार बार मांग होती है ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए, खतरा क्या है कि कोई बहुत ईमानदार सेशन भी दिया चुनाव आयोग के बाद जिन्होंने क्रांति शुरू की थी चुनाव प्रक्रिया की, वो चुनाव में खड़े हो गए, एक एमएन कुछ थे बहुत ईमानदार अफसर बन जाते थे प्रदेश में कभी खड़े हो गए, तो इसे क्या मान लो केजरीवाल या दो लोग भी पहले आए थे जिनकी पार्टी नहीं भी होती, कोई ऐसे कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट बहुत जिनकी अच्छी छवि है, कोई आर्मी का आदमी है जी वो अच्छे अपने इलाके में उत्तराखंड में काम किया और जाके कभी चुनाव की सेवा करना चाहता है, ना जाने चुनाव नहीं लड़े लेकिन मान लीजिए वो चुनाव लड़ना चाह रहे, तो आप वो इंडिपेंडेंट पर भी ये अंकुश नहीं लगा सकते। अच्छा यदि उनको छूट है तो निश्चित से दूसरों को भी छूट होगी। इस दृष्टि से जो छोटे दल हैं, छोटे राज्य गोवा मणिपुर उत्तर प्रदेश तो बड़ा राज्य है, उन राज्यों में भी सत्ता को बनाने बिगाड़ने या इसको कहते हैं भ्रष्टाचार की एक नाला जिसमें बीच में आ जाता है कहीं ना कहीं, नदी जो हमारी लोकतंत्र की है उसमें नाला घुसता है इस तरह से, जो भ्रष्ट कारणों से मतलब आग्रह से डर से आतंक से या धन से, हम ये नहीं कह रहे कोई एक ही कारण हो सकता है, या फिर एक मजबूरी से, तो वो भी देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए मजबूरी उसकी हो जाए कि वो जिस पार्टी को नहीं पसंद करता है उसकी ही शरण में रहे, उसके साथ रहे, उसके साथ सत्ता में। उसका सबसे फिट उदाहरण अभी हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा है पिछले 6 महीने साल भर में की जो है किस तरीके से वहां सरकारें इधर से उधर उधर से इधर जो है होती रही है, उसमें डर पैसा स्थानीय मजबूरी वो सारी मणिपुर में अभी जो सब खड़ी हुई है जो पूरे स्वयं से आंदोलन करती रही वो पहली बार चुनाव में लड़ रही है, अब उसका भी तो कुछ असर तो पड़ेगा, वो कांग्रेस को या बीजेपी किसी को तो उसका फायदा मिलना चाहिए, हालांकि वो कितना होगा क्योंकि वो उनकी सिर्फ उनके समेत सिर्फ 3 कैंडिडेट उनकी पार्टी से जो है वहाँ पे 40 सदस्यीय विधानसभा में, लेकिन वहाँ तो एक एक सीट ही दो या ढाई जैसी है, मतलब जो है सरकार बनाने में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ या कांग्रेस से जा सकते हैं? रालोद सबसे पहला नाम उभर करके यही आएगा, लेकिन दोनों पार्टियों से उनका ठीक ठाक अच्छे रिश्ते हैं, तो देखेंगे जिसका प्रभाव भारी रहेगा उसके साथ जा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके अलावा बाकी जो छोटे कुछ निर्दलीय भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो जैसे राजा भैया, और अपना दल तो वापस नहीं मतलब बीजेपी का साथ छोड़ सकता है क्या? नहीं, अपना दल बीजेपी के साथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। पटेल चूंकि जो है खुद अभी केंद्र में मंत्री हैं तो उनके लिए अभी साथ छोड़ देना जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उनके विधायक भाग जाए उनका साथ छोड़ करके ये संभव है, लेकिन पार्टी जो है अभी एनडीए से बाहर मान लीजिए अगर सरकार बनेगी नहीं जैसे मैं उस बन गई है तो बीजेपी के साथ है, मैं उस सपा कांग्रेस गठबंधन की बन गई तो फिर हो सकता है कि कम पड़े तो लोग चले जाएं, मैं उस संभावना की बात कर रहा हूं कि अगर
सपा कांग्रेस गठबंधन को मान लीजिए 8 की जरूरत है, 8 विधायकों की, और अपना दल के पास जो है 8 या 10 रहते हैं, तो अनुप्रिया पटेल हो सकता है कि साथ ना दे, लेकिन उनके विधायक टूट के चले जाएंगे। हाँ, किसी के साथ भी तो सर ये है कि अब टूटने के लिए मतलब कई विधायक ऐसे हैं कि जो सत्ता के साथ जाना चाहते हैं, तो भाजपा से भी टूट सकते हैं, बसपा से भी टूट सकते हैं। टूटने की कोई प्रक्रिया मतलब, क्योंकि उनको अगले 5 साल तक देखना है ना, उत्तर प्रदेश में बार बार चुनाव में कोई नहीं जाना चाहता, ये बड़ा है। So, ये माना जाए कि चुनाव में छोटे दलों की अपनी भूमिका है, और लोकतंत्र में निर्दलीय हो, चाहे वो इटली का चुनाव हो, तो कई बार वहां पर तो ऐसा जो सबसे बड़ा जोकर माना जाता था, वो भी चुनाव में खड़ा होकर उसने बहुत ऐसी बड़ी टक्कर राष्ट्रपति पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, ऐसे ऐसे उम्मीदवार यूरोप में भी खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप किसको उम्मीदवार न बनने दें और वो कड़ी टक्कर ना दे सकें, लेकिन लोकतंत्र में सबकी अपनी भूमिका है, जरूरत होती है मतदाताओं का सजग रहना। हमारे साथी सोन कुमार जी ने जिक्र किया था कि हम ऐसा मानते हैं कि कई मतदाता मूर्ख हैं, लेकिन नहीं, मीडिया तो नहीं मानता, मीडिया तो देखता है हम लोग, मैं उनको थोड़ा सा उसको और संशोधित करना चाहता हूँ। हुआ यह है कि मतदाता चाहे वो नाम नहीं जानता है, ऐसी रिपोर्ट से हमारे संवाददाताओं की भी और लोगों से भी हमारी बात हुई है, जिन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं मालूम है कि भाई इंदिरा गांधी है या नहीं है, अखिलेश है क्या है वो नहीं मालूम है, लेकिन उनको साइकिल चुनाव चिन्ह मालूम है, या किसी को कमल मालूम है। गाँव के दूर दराज आदिवासी इलाकों में, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति सामने आई है। इसलिए इस समय जब हम छोटे दलों की चर्चा कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव तक लोगों को अपने नेताओं के बारे में सही एहसास हो, उनकी पार्टियों के बारे में अंदाज हो। ये सही है कि वो इतना जानते हैं, मतदाता इसलिए मैं जागरूक मानता हूँ कि हमारे लिए किसने सड़क के लिए कुछ किया, पीने का पानी किसी ने देने के लिए कुछ किया कि नहीं किया, मेरी झोपड़ी मेरे खेत के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इस बारे में मतदाता कतई मूर्ख नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि यदि आपको हमने चुना है तो आप हमारे हितों की रक्षा करें। हम इस चर्चा को बराबर जारी रखेंगे चुनाव परिणामों तक, और चुनाव परिणामों के बाद भी आप देखते रहिए आउटलुक हिंदी वेबसाइट, पढ़ते रहिए आउटलुक हिंदी पत्रिका। नमस्कार, धन्यवाद।